Good morning, students. How are you all? Fine. I hope you all are fine at your home. It's raining a lot. It's raining like I can't explain the intensity of rain that has been coming. So we are threatened by both coronavirus and the heavy rainfall. So please, guys, stay at home and do study, do whatever you want to do, but you have to be in the house premises, okay? So this is Abhishek, and I welcome you all once again on this channel. And today we are going to discuss the fifth lesson of EVS, that is seeds and seeds, okay? So seeds ke baare mein hum janenge. Gradually we'll get to know about seeds by the story of Gopal and his family. So Gopal एक लड़का है और उसके मौसी के घर वाले उसके यहाँ आने वाले हैं क्या करने के लिए, टू विजिट, टू स्पेंड देयर holidays. ओके, सो ही was वेरी एक्साइटेड टू हैव फन विद them एंड टू हैव नाइस फूड दैट he would have with his cousins. वो अच्छे अच्छे खाने और मस्ती करने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है. उसी के बाद जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी माँ बोलती है, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू शोक टू स्मॉल बॉल्स ऑफ चना. सी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. तो गोपाल इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि मेरे मौसी के जो लड़के आएंगे उनके साथ मैं बहुत मस्ती करूंगा और ढेर सारा खाना, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा. इसी बीच उसकी जो माँ है वो बोलती हैं कि आप सोने से पहले क्या करना, दो बॉल मतलब दो कटोरे चने फुला देना, सोक कर देना. सोक का मतलब होता है फुलाना, पानी में भिगो के रखना. तो यही बात कह के, क्योंकि वो जो माँ है उनकी वो कहाँ जाने वाली हैं, सी इज़ अबाउट टू गो टू द गोपाल्स बुआज हाउस, वो गोपाल के बुआ घर जाने वाली हैं और वो कल ही लौटेंगी, मतलब कल मॉर्निंग में ही लौटेंगी. तो इसलिए वो बोलती हैं कि सोने से पहले फुला देना चना. एज ही वॉज सोकिंग द चना, तो गोपाल सोने से पहले, काफ़ी ओबेइंग लड़का है, अपने माँ की बात मानता है, सोने से पहले वो चना फुलाता है. जब चना फुला रहा था तो वो उसके माइंड में आ रहा था कि ये दो स्मॉल बॉल, दो छोटे कटोरे चना से क्या होगा, इतने लोग, क्या ये इनफ होगा आठ लोगों के लिए ये इनफ होगा. ये सोचकर वो क्या करता है, दो और एक्स्ट्रा बॉल ऑफ चना फुला देता है, ठीक है, सोक कर देता है, मतलब भिंगो के रख देता है, ठीक है. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग सी सॉ द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वैशल, जिस वैशल में वो चार कटोरा चना फुलाया रहता है, मतलब भिगो के रखा रहता है, अगले दिन जब उसकी माँ के देखती हैं तो वो वैशल जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है, मतलब चने से पूरा फुल हो जाता है, बिकॉज उसकी कैपेसिटी है वो दो ही कटोरे की है, लेकिन ये लड़का जो है गोपाल वो ज़्यादा चना फुला देता है, दो एक्स्ट्रा बॉल ऑफ ग्राम ही सॉक्ड इन दैट वैशल, सो दैट वैशल ओवरफ्लोज. ओके, तो उसकी माँ आती है लेकिन वो कुछ खास बोलती नहीं है, कहती है ये कैसे हुआ, तुमने कितना चना फुला दिया, हाउ मच डिड यू शोक, यहाँ पे पूछती हैं उनसे. तो वो पूछता है हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हो गया. ये गोपाल देख के काफ़ी वंडर हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है. ये है बॉल ऑफ वैसल है जिसमें चना फुलाया गया है, चना को भिगो के रखा गया है. सो यू सोक टू मच, माँ बोलती है यू सोक टू मच, लेकिन कोई बात नहीं, एनीवे कोई बात नहीं, इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. चलो ठीक है, तुमने अब इतना फुला ही दिया तो मैं इसका आधा क्या करूँगी, कुक कर दूँगी, मतलब बना लूँगी सब्जी के तौर पे, और जो आधा बचेगा उसको मैं स्प्राउटिंग के लिए रख दूँगी. स्प्राउट का मतलब क्या होता है, जब चना सोक होके पूरा फूल जाता है, उसमें पानी मतलब पूरा मॉइस्चर गेन कर लेता है, उसके बाद से अगर आप कॉटन क्लोथ्स में उसे, एक डैम्प कॉटन क्लोथ्स में, डैम्प कॉटन क्लोथ्स समझते हो ना, भींगा हुआ
कॉटन का कपड़ा में अगर आप उसे रैप कर देते हो चने को, फूले हुए चने को, तो वो आसानी से उसमें स्प्राउटिंग होने लगता है। मतलब अगले दिन ही, मतलब एक दिन और उसे डैम्पनेस में रखने पर नेक्स्ट डे यू कैन सी द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल वाइट कलर स्प्राउट्स आउट ऑफ द ग्राम। अगर आप एक दिन रैप करके रख दोगे भींगे हुए कपड़े में चने को जो ऑलरेडी ओवरनाइट फूला हुआ है, तो आप देखोगे कि अगले दिन वो उसमें से छोटे छोटे स्प्राउट्स, वाइट कलर के स्प्राउट्स निकलने लगेंगे, और ये काफ़ी हेल्दी होता है। इसको खाना हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि स्प्राउट्स खाना चाहिए, ठीक है। तो यही बात है, तो उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, मैं आधा क्या करूँगी, आधा मैं बना दूँगी एंड हाफ ऑफ द ग्राम आई वुड कीप फॉर स्प्राउटिंग, ओके, आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, और मैं इसे आपके चाची के यहाँ भेज दूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा है स्प्राउट्स खाने के लिए, बिकॉज डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, ओके। हर मदर सेड सी ट्राइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ विट, जैसे मैंने बताया कि चने को जो सोक्ड चना होता है उसको अगर आप वेट क्लोथ में अगर आप रैप करके बांध के रख देते हो तो क्या होगा, नेक्स्ट दिन उसमें स्प्राउटिंग निकलने लगेंगे। मान लो ये चना है, दिस इज चना, ओके, ये चना है, और अगर एक दिन ये भींगा हुआ है और अगले दिन अगर इसमें आप वो करोगे तो इसमें एक इतना बड़ा सा स्प्राउटिंग निकल जाएगा जिसका कलर होगा वाइट, ठीक है। तो ये स्प्राउटिंग ग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही हेल्दी होता है एनीवे, ठीक है, ओके, इतना समझे आप लोग। ये इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी में बस बताया गया है कि चना को सॉक कैसे किया जाता है। तो आपको एक ओवरनाइट चना एक वेशल में रखोगे फुल ऑफ वाटर करके, देन वो एक दिन में क्या हो जाएगा, हालांकि 2-3 घंटे में ही चना पूरा पानी से अपने आप को मॉइस्चर गेन कर लेता है, पूरा फूल जाता है, और उसके बाद से अगर स्प्राउटिंग करनी हो तो आप अगेन उसे एक वेट क्लोथ में उस चने को पानी से बाहर निकाल के वेट क्लोथ में रैप करके रख दोगे, तो अगले दिन देखोगे तो उसमें से स्प्राउट्स निकलेंगे। स्प्राउट्स का मतलब छोटे छोटे टाइनी पार्ट उसमें से वाइट कलर के निकलने लगेंगे, इसका मतलब वो स्प्राउटिंग कर रहा है, ठीक है। स्प्राउट्स याद रखना हमेशा, और ये स्प्राउट्स हेल्दी होता है खाने में, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इतना हमने पढ़ा, अब देखो डिस्कस कीजिए, आपको ये डिस्कस करना है व्हाट थिंग्स आर सोक बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई, कौन कौन सी चीज़ें आप कुक करने से पहले फुलाते हो और क्यों फुलाते हो। तो हम हर एक चीज़, जैसे कि चावल है, दाल है, इसे हम फुला सकते हैं, लेकिन इसमें से स्प्राउटिंग नहीं होगा, बट इनको हम फुला के क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना ईंधन बचा सकते हैं, ईंधन समझते हो, फ्यूल, अगर वो फूल जाएगा तो काफ़ी जल्दी कुक हो जाएगा, तो इस वजह से भी। और बाकी कई सारे जो दाल हैं, जैसे मूंग दाल है, मसूर दाल है, उसको स्प्राउटिंग के लिए फुलाते हैं, ठीक है, चना दाल है उसके लिए हम तड़का बनाने के लिए फुलाते हैं, गॉट इट। तो ये सब बातें हैं, पहला व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, आप कौन सी चीज़ें खाना, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, अच्छा आप कौन कौन सी जो थिंग्स हैं जो आप स्प्राउटिंग के बाद खाते हो, तो वही जो पल्सेज हैं लाइक मूंग दाल एंड मसूर दाल, इसको जो आप, और चना भी है, इसको आप स्प्राउटिंग करने के बाद खा सकते हो, ठीक है। जनरली हम नहीं खाते हैं, हम बहुत आलसी लोग होते हैं, लेकिन जो लोग काफ़ी एनर्जेटिक वर्क करते हैं, मतलब जो ढेर सारा काम करते हैं, रनिंग करते हैं, खास करके जो रनिंग करने वाले लोग होते हैं वो स्प्राउटिंग फूड खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, स्प्राउट कैसे किया जाता है, ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे किया जाता है, आप भी लिखोगे कि स्प्राउटिंग कैसे होता है, हाउ डज स्प्राउटिंग अकर्स इन द सीड्स, ओके, ये प्रोसेस आपको लिखना है, दिस इज योर होमवर्क, अभी आगे भी होमवर्क आएगा आपके लिए, डोंट वरी, ओके। हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना वक्त लेता है स्प्राउटिंग करने में, तो स्प्राउटिंग करने में कितना वक्त लेता है, पहले तो आपको फुलाना होगा, यू हैव टू सोक द सीड, तो वो सीड आप ओवरनाइट फुलाते हो, मतलब 12 घंटा, और 12 घंटा के बाद उसे पानी से निकाल के आप क्या करते हो, वेट क्लोथ्स में उसे
कवर करके रख देते हो अनदर 24 आवर के लिए। तो उसके बाद से आप देखोगे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें से स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगा। स्प्राउटिंग मतलब छोटे छोटे प्लांट नहीं कहेंगे उसको, लेकिन प्लांट से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। हैज़ द डॉक्टर और एनी वन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, वाई? आपको कभी तो डॉक्टर ने आपको या फिर किसी ने भी आपको कहा है कि क्यों स्प्राउटिंग फ्रूट्स खाने चाहिए और क्यों खाने चाहिए? तो आप एक ही टर्म लिखोगे कि ये हेल्दी होता है, ये काफ़ी एनर्जी देता है और प्रोटीन भी होता है इसमें। एनर्जी नहीं कहेंगे, एनर्जी नहीं देता है, प्रोटीन काफ़ी देता है जो हमारे मसल बिल्डिंग में काम आता है, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, डू दिस एंड फाइंड आउट। आपको ये करना है, आपने फोर्थ क्लास में किया था ये एक्टिविटी, अगर नहीं किया होगा तो आप इसे घर में करोगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको चना फुलाना है, यू हैव टू सोक द ग्राम फॉर ओवरनाइट एक रात के लिए, और उसके बाद से उसे वेट क्लोथ में कवर करके रख देना है, देन यू विल सी द स्प्राउटिंग। आप उस चने में से स्प्राउटिंग को देख पाओगे, ठीक है। ये आप करके और इसकी रीडिंग लिख लेना। ये यहाँ पे देखो ये बॉक्स है, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि आपको एक एक बॉल में कुछ नहीं रखना है, एक बॉल में पानी में पूरा भिंगो के रखना है, एक बॉल में सिर्फ कपड़े रखने हैं, भींगे हुए कपड़े में चना रखना है और उसका रीडिंग देखना है। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो आप घर पे कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, और ये क्या लिखना है, टेल एंड राइट। जब ये एक्टिविटी करोगे तो आप उसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो ये एक प्रोजेक्ट है, आपको ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ समथिंग। ये तो आप आसानी से कर सकते हो, ये वाला ड्रॉ करके हमें भेजना, ठीक है। दिस वन, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट ड्रॉइंग, मेक इट्स ड्रॉइंग, इसका ड्रॉइंग आपको बनाना है, ठीक है। दिस वर्क यू हैव टू डू एट योर होम, एटलीस्ट आप वो तो कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। ओके गाइस, ओके, अब ये प्रोजेक्ट एक देख लो आप, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट। टेक अ क्ले और क्ले पॉट और अ टीन कैन विथ अ वाइड माउथ, एक चौड़े मुंह वाला आपको क्ले पॉट या फिर टीन का केन लेना है, और उसमें एक छोटा सा होल कर देना है एट द बॉटम ऑफ द कैन, उस बॉटम के कैन के नीचे आपको होल कर देना है। फिल योर कैन विथ सोयल, आपके केन को सोयल से फुल कर देना है। पुट फोर और फाइव सीड्स इन ऑफ सेम काइंड इन द सोयल एंड प्रेस देम जेंटली, आपको चार पांच एक ही सीड्स को डालना है, मतलब एक ही तरीके के सीड्स को, जैसे कि आपको धान या चावल या फिर कोई भी चना, कोई भी सीड्स आप डाल सकते हो, चार पांच दाने उसके डाल सकते हो, और उसे जेंटली पुश करना है उस सॉयल में, जो सॉयल रखी हुई है उसे आपको जेंटली पुश करना है, और पुश करने के बाद से आपको क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, सरसों, फेनिग्रिक, मेथी, सीसम और कोरिएंडर। ओके, तो आपको क्या, कोई भी इसमें से सीड्स आप ले सकते हो, आप अपने जब प्रोजेक्ट करोगे तो आप अपने सीड्स का यहाँ पे नाम लिखोगे, और फिर जिस डेट को आपने प्लांट किया था वो करना है, फिर आपको ये चार्ट भरना है। इसे आप लोग अगर कर पाओ तो कर लेना, ठीक है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। ओके, अब देखो ये फाइंड आउट करना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितना समय लिया। तो जब आप एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना समय लेता है। तो जनरली 2 से 3 दिन लगती हैं प्लांट्स, जो सीड्स होती हैं उसमें से पहले स्प्राउटिंग होता है, स्प्राउटिंग के बाद से उसमें प्लांट्स निकलने लगते हैं, तो ये 2-3 दिन ही लगता है। उसके बाद से उसकी हाइट को आपको मेजर करना है कि कितना हाइट इंक्रीज करता है पर डे वो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन करनी है, ठीक, ये डिस्कशन आपको करना है। तो अगर आप कर सकते हो तो देन कर लेना, ठीक है, ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के इनसाइड अंदर क्या होता है, हाउ डज इट
हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड सीड ये आपको बताना है, तो मैं ही बता देता हूँ। सीड्स सीड्स में क्या होता है, जब उसमें वाटर और मॉइस्चर और सोयल मिलता है तो वो एक तरह से ब्रेक होता है। क्या होता है, ब्रेक हो जाता है सीड्स, और ब्रेक होने के बाद से उसमें से टाइनी एक स्प्राउटिंग की जैसा निकलने लगता है, और बाद में वो जब उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सोयल से और वाटर मिलता है तब उसमें प्लांटेशन का ग्रोथ होता है। फिर प्लांट होने के बाद से और भी जब उसे न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली मिलते रहता है तो क्या होता है, और सनलाइट के साथ जब उसके पत्ते आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा सा पेड़ बन जाता है, और पेड़ बनने के बाद से फ्रूट्स देने लगता है। ओके, सो आपका यहीं तक हम आज का वीडियो रहने देते हैं, और आपका होमवर्क रहेगा एक तो व्हाट इज़ स्प्राउटिंग एंड व्हाई स्प्राउटेड सीड्स आर सजेस्टेड बाय द डॉक्टर टू ईट। डॉक्टर के द्वारा स्प्राउटिंग सीड्स क्यों सजेस्ट किया जाता है खाना खाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो को देखिएगा पूरा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मैं भी नेचर के बीच में हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।